तो हाँ जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिट फाट हूँ। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबसे कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो आपके साथ सबके साथ शेयर करनी है मैंने ना, तो कुछ मिस ना ना हो, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देखना। कुछ हमारे चैनल के रिलेटेड है मतलब, और कुछ गुरी और जस के रिलेटेड है ना। तो सबसे पहले तो बात करें जस मानक की। तो जस मानक ने अभी अभी अपने जो है ना इंस्टा पे एक पोस्ट किया ना, और नीचे टाइटल दिया अपने अपकमिंग सॉन्ग का ना, कि अब नेक्स्ट उसने सॉन्ग ही करना है ना, सॉन्ग के मतलब तैयारी स्टार्ट हो चुकी हुई है ना। अब कौन सा सॉन्ग है ये तो मुझे नहीं पता, और किस डेट पर रिलीज होना ये भी नहीं पता। तो पता चल जाएगा ना, मैं जो मतलब मैं शेयर करूँगा आपके साथ वो भी जस्ट से पहले जो है ना, मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन सा सॉन्ग आ रहा है और कब आ रहा है ना। सबसे मतलब मेन चीज़ यही है कि मैं बता दूंगा आपको ना कि भाई कब आ रहा है और कौन सा सॉन्ग आ रहा है ना, जस्ट के बताने से पहले। तो ये बात हुई ख़त्म ना। तो नेक्स्ट हम गुरी की बात करते हैं कि गुरी ने मतलब लाइव अगर अभी बोला था, जिसने लाइव देखी उसे तो पता होगा, जिसने नहीं देखी वो मैं आगे ऐड करता हूँ तो आप वो देखें। मैं थोड़े दिन पहला मैं थोड़ा जहा बिजी हो चीजें जो लाइव कट हुए थे, ऐदा ही अगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो तुम दस दिन अपडेट दें। 2-2.5 साल 3 साल की वेट करके पर इन्ना कुछ उन्होंने इदा नहीं लगेगा भी हाँ कि पुरानी मूवी है जो वा मूवी अज भी अज दे लग रही है भी हाँ बिल्कुल फ्रैश मूवी है। बाकी तुम जो जाओगे थोड़ा जाके आप ही पता लगेगा। अगली मूवी बारे, अगली मूवी पहला तुम आह वेख लो, अगली मूवी बारे जल्दी अपडेट देवे। वो बड़े टाइम तो वो भी मेहनत कर रहे थे, वो मूवी बारे भी थोनों जल्दी अपडेट देवगा, क्योंकि मैं मैं लगता पिछले 1.5 साल च गाने बहुत घट किए ने। रीजन यही सी कि मैं मूवी पर काम कर रहा। सो फाइनली वो आज बहुत मेहनत की वो मूवी से भी, तो वो थोनों थोड़े नाल शेयर करांगे थोड़े टाइम तक अगे टाइम पै के। हाँ जी, तो गुरी की वीडियो तो आपने देख ली, उसने बता दिया कि भाई वो कहाँ पे बिजी था और क्या आपके लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसके, मतलब उसने बता दिया, आपने सबने देख ली है। तो थर्ड बात करते हैं मेरे चैनल के रिलेटेड ना, कि मेरे चैनल पे सारा कंटेंट रियूज था आपको मतलब पता ही है, और 500+ वीडियोज़ थी ना, तो मैंने सारी रिमूव कर दी ना, जस्ट अपनी वॉइस वाली रखी हैं, अपने फेस वाली ना, फेस कैम वाली वीडियोस रखी हैं, बाकी सारी मैंने रिमूव कर दी हैं, क्योंकि सारा रियूज्ड कंटेंट था, जिसकी वजह से जो है ना उनको डेल करने की वजह से ना मेरा वॉच टाइम भी सारा रिमूव हो गया ना। तो अब जो है ना, अब जस्ट मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। बाकी आप सपोर्ट तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब मेरी सोच से भी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, स्टार्टिंग में जब हमने मतलब मैंने अपनी फेस कैम की वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट की थी, तब मुझे थोड़ा सा जो है ना मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, ज़्यादातर डिसलाइक ही आ रहे थे, सब्सक्राइबर जा रहे थे। तो सब्सक्राइबर जाने की वजह से भी मैं ना काफ़ी डिसहार्ट हुआ था, बट मैंने हिम्मत ना हारी, मैं लगा रहा, मैं कोई बात नहीं यार, जो जा रहा है जाने, तो मैं उन्हें रोक तो नहीं सकता, बट इंशाल्लाह जो है ना वो खुद ही एक ना एक दिन ज़रूर आएंगे ना वापस, मतलब इस तरीके का मैं वर्क करूँगा ना इंशाल्लाह आने वाले टाइम में, तो वो खुद ही वापस आएंगे ना इंशाल्लाह। तो मैं मतलब ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि भाई आप जो है ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि भाई मैं कुछ ना कुछ नया करूँ ना आप सबके लिए। तो मैं जो है ना कोशिश यही करूँगा कि जो है ना मैं चैनल पे ज़्यादा एक्टिव रहूँ, और साथ ही साथ जो है ना मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ शेयर करूँ ना, गुरी लोगों की, जस की, करण की, कि इनका नेक्स्ट क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं, मैं सारे मतलब आपके साथ ना टाइम टू टाइम शेयर करूँ। तो बस उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखेंगे, एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया, वीडियो पूरी देखी, थैंक यू।